हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल इंग्लिश बाबा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ठीक है, तो इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो स्टोरी एक छोटी बच्ची की है जो कि पहली बार बस में चढ़ती है, और बस में जब वो ट्रैवल करती है पहली बार, उसका क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसने क्या क्या चीज़ बाहर देखी, कैसे वो गई, कैसे वो वापस आई, इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं इस सब के बारे में। तो चलिए आगे शुरू करते हैं स्टोरी को। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्लियामई। एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, वल्लियामई था, हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। और उसे प्यार से या उसका जो छोटा नाम था उसे सब क्या कहते थे, वल्ली वल्ली कहके बुलाते थे। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। वो कितने साल की थी, 8 साल की थी, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी, मतलब उसे हर चीज़ जानने की इच्छा रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका जो सबसे बढ़िया टाइम व्यतीत होता था वो होता था अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहना और बाहर की तरफ देखते रहना कि भैया गली में कौन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है बाहर। ये उसे बहुत अच्छा लगता था। There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. उसकी गली में जहाँ पर वो रहती थी उसके बराबर का कोई बच्चा नहीं था, उसके साथ के कोई खेलने वाले नहीं थे, तो उस इसके लिए वो क्या करती रहती थी, बस अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी और बाहर की तरफ देखती रहती थी। But for Valli, standing at the front of door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो दरवाजे पर खड़ी रहती थी और जो दूसरे बच्चे नहीं थे उसके साथ के तो उसे बुरा लगता था, नहीं, वो भी इतना इंजॉय करती थी बाहर देखना, लोगों का आना जाना, जैसे कि वो सचमुच में गेम ही खेल रही हो, जैसे कि बड़े बच्चे गेम खेलते थे। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस। और जिस तरह से वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई गली में देखती रहती थी, उससे रोज़ उसे क्या मिलते थे, तरह तरह के एक्सपीरियंस, कभी उसने कुछ देखा, कभी उसने कुछ देखा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर एक छोटी सी बच्ची 8 साल की यानी वल्ली खड़ी हुई है अपने घर के दरवाजे पर, और स्ट्रीट में यानी गली में क्या चल रहा है वो देख रही है। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे अच्छी चीज़ जो उसे वहाँ देखने को मिलती थी वो थी कि बीच बीच में एक बस आती थी जो कि उसके गाँव से और पास वाले टाउन तक जाती थी, वहाँ तक जाती थी और वो आती थी। तो सबसे अच्छा उसे क्या लगता था देखना, उस बस को देखना अच्छा लगता था। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, और वो उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। एक बार वो टाउन की तरफ जाती थी और फिर वहाँ से फिर लौट के आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और जैसी वो जो उसे देखती थी बस को हर टाइम बस तो वही होती थी, लेकिन जो उसमें जो पैसेंजर होते थे वो दूसरे होते थे, और उन नए नए पैसेंजर्स को देख के बस में बैठे हुए उसे बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। डे आफ्टर डे शी वॉज द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रैप्ट इन टू हर हैड एंड ग्रू देयर। वो दिन पर दिन वो उस बस को देखती थी आते हुए जाते थे, और तभी उसके दिमाग में मतलब एक उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस बस में बैठूं। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस में बैठना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, क्यों ना बस एक ही बार उसे बैठने को मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो एटलीस्ट एक बार उस बस में बैठे। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और ये जो उसकी इच्छा थी ये और ज़्यादा मजबूत होती गई, और वो इतनी बढ़ गई कि उसे बस उसने ठान लिया कि मैंने यही काम करना है, मैंने उस बस में बैठना ही है। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर वल्ली वुड स्टेयर विशफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस वेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। और उसकी जो इच्छा थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बस में से जो भी लोग जब जहाँ वो बस रुकती थी उस बस में जो नए लोग चढ़ते थे या वहाँ से उतरते थे उन सबको वो देखती थी, और उसके मन में एक ही इच्छा रहती थी कि मैं भी किसी दिन इस बस में बैठूँ। देयर फेसिस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। और उनके जो चेहरे थे, क्योंकि देखो जब हमें कोई काम करना होता है तो हमें सोते बैठते उठते जागते वही चीज़ दिखाई देती, तो यही उसके साथ होता था कि उठते जागते बैठते सोते सपनों में भी वो उन्हीं लोगों को उन्हीं चेहरों को देखती थी जो बस में आते जाते रहते थे। वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, सॉरी, इफ वन ऑफ हर
if one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. अगर उसका कोई दोस्त या आसपास का कोई गली मोहल्ले का कोई बच्चा जो कि उसके बराबर का है, अगर कोई बस में बैठ के टाउन देख के आया और वो वहाँ पर डिस्क्राइब करता था वहाँ बैठ के वल्ली के सामने, तो उससे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। कभी कभी ऐसा होता ना कि हमें कोई चीज़ लेनी है, भाई मुझे आईफोन खरीदना है, और मैंने आईफोन नहीं खरीद ला लेकिन मेरे दोस्त ने खरीद लिया मुझसे पहले, तो एक कहीं ना कहीं जेलसी, तो वो जेलसी जो थी, जलने की जो फीलिंग थी वो उसमें भी थी, और वो उन्हें चुप करा दी, बंद करो बकवास मत करो मेरे सामने, प्राउड प्राउड। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. अब जो proud proud, देखो literal meaning जो होता है proud का, वो तो होता है घमंड, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कहना चाह रहा writer कि जब वो proud proud कहती थी तो ना तो उसको पता था कि proud का मतलब क्या है, और ना ही उन बच्चों को पता था जिनसे वो बात करती थी, पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर थी कि वो जो proud proud बोलती है गुस्से में, वो इसलिए बोलती है क्योंकि वो मना कर रही है, she doesn't like, उसे नहीं सुनना। Over many days and months, Valli listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used to the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. कई दिनों तक, कई महीने तक वल्ली ने उन कॉन्वर्सेशन के, जो लोग आपस में बातें करते रहते थे पड़ोस में, उसके जो रेगुलर बस में आते जाते थे, उनके वो क्वेश्चंस आंसर को सुनती रहती थी, उनकी बातों को सुनती रहती थी, और बीच बीच में वो भी अपने कोई क्वेश्चंस पूछ लेती थी। This way she picked up various small details about the bus journey. और इस तरह से उसने क्या पता चल गया था, उसे बस की जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया था। The town was 6 miles from her village. जो वो जो टाउन था पास वाला, वो उसके विलेज से कितना दूर था, 6 मील दूर था। The fare was 30 paise one way. और जो किराया, fare means किराया, जो लगता था एक साइड का किराया कितना था, 30 paise. Which is almost nothing at all, she heard one well-dressed man say, but to Valli who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune. और उसने एक बार किसी को कहते हुए सुना था, किसी एक ऐसे इंसान को जो बहुत रईस होगा, अमीर होगा, कि यार 30 paise तो लगते हैं, ये तो बहुत कम पैसा है एक साइड का, लेकिन वल्ली के लिए जो कि 8 साल की बच्ची है, भाई वो तो अभी पैसा नहीं कमाती, उसे तो उसकी मम्मी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी देती होंगी, वो पैसा वल्ली के लिए बहुत बड़ा पैसा है, वो कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। द ट्रिप इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और जो वहाँ पहुँचने में बस को कितना टाइम लगता था, एक साइड की जर्नी का 45 minutes लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 paise शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अब वो अपने मन मन में क्या सोच रही है कि यार अगर मैं बस से चली जाऊँ और वहाँ पे अगर उतरूँ ना, वहाँ पे कोई पैसा ना खर्च करूँ, तो बस वहाँ पे आ जाऊँगी, यानी 30 paise तो आने के लग, वहाँ पहुँचने के लगेंगे, और 30 paise वहाँ से लौटने के, यानी जो टोटल पैसा खर्च होगा 60 paise खर्च होंगे, ऐसा वो अपने दिमाग में सोच रही है। दिस मैंट दैट शी कुड टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम अबाउट बाई 2:45। अब वो सोच रही है कि अगर मैं 1 बजे वाली बस ले लूँ तो करीबन 1:45 पे वहाँ पहुँच जाऊँगी, और करीबन 2:45 पे, अगर 2:45 तक यहाँ पे मैं अपने घर तक वापस भी आ जाऊँगी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। अब उसके जो थॉट्स हैं, वो सोच रही है अच्छा अगर ऐसा कर लूँ तो उस टाइम पे मम्मी सो रही होंगी, तब निकल जाऊँगी, जब तक मम्मी जगेंगी तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। एक छोटी बच्ची है तो वो नहीं जानती, तो वो क्या कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है कि मुझे 60 paise की ज़रूरत पड़ेगी आने जाने के लिए, तो उसके दिमाग में कई सारे थॉट्स चल रहे हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। एक स्प्रिंग डे पे क्या हुआ, एक दोपहर में, कि जब बस बिल्कुल जाने ही वाली थी गाँव से कहाँ पे, टाउन की तरफ हाईवे पे बढ़ रही थी, तभी एक छोटी सी आवाज़, यहाँ पे देखो स्मॉल वॉइस का मतलब छोटी सी आवाज़, क्योंकि वो छोटी बच्ची ने आवाज़ लगाई, और आवाज़ आई स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोक दो, बस रोक दो, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ आया बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और बस काफ़ी धीमी हो गई, एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड हरी देन, और कंडक्टर ने अपना बाहर निकाला सिर और कहा जल्दी करो, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, जो भी है भैया जल्दी अंदर आओ, इट्स मी शाउटेड वल्ली। वल्ली ने कहा अरे मैं खड़ी हूँ, देखो इधर, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, अरे मैं हूँ जिसे अंदर आना है।
By now the bus had come to a stop. और अब तक बस क्या हो चुकी थी? रुक चुकी थी. And the conductor said, oh really, you don't say so. Oh, तुम हो? मुझे लगा कोई बड़ा आदमी होगा. Yes, I simply have to go to town. मुझे बस कहाँ जाना है? टाउन जाना है. किसने कहा? वल्ली ने कहा मुझे टाउन तक जाना है. Still standing outside the bus. अभी वो बस से बाहर खड़े खड़े उसने कहा मुझे टाउन तक जाना है. And here is my money. She showed him some coins. और ये लो मेरे पैसे पकड़ो, यानी ये टिकट पकड़ो जो 30 पैसे लगते हैं. ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस. अरे वो तो ठीक है, अब कंडक्टर ना, वो तो ठीक है, तू अंदर तो आ जा, ले लेंगे तेरी टिकट भी. सेट द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. और उसने अपना हाथ दिया बाहर की तरफ, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी, उसे अंदर लाने के लिए. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. और जो कंडक्टर था थोड़ा मजाकिया पर्सन था मेरी तरह. ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम. सॉरी नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. अब जैसे ही कंडक्टर ने अपना हाथ उसे आगे बढ़ाया तो उसने कहा अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ. द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग. और जो कंडक्टर था वो थोड़ा सा मजाकिया तरह का पर्सन था. ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी. ओह मुझसे गुस्सा मत हो मैडम जी, माई फाइन मैडम. अब छोटे से बच्चे को कभी कभी कहते हैं ना हमारे घर में, जैसे कोई छोटा बच्चा है, अरे ये तो बड़ी दादी माँ दादी अम्मा बन गई है, ये तो बहुत बड़ा बन गया है किसी छोटे बच्चे को. ऐसे ही प्यार से जो कंडक्टर है उसने कहा ओहो मैडम मुझसे गुस्सा मत हो, आप आ जाओ. ही सेड हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम. और जैसे ही वो अंदर आई, मैम ये बैठी है आपकी सीट, सब लोग हट जाओ मैडम आ रही हैं, मैडम आ रही हैं. ऐसे छोटी सी बच्ची को वो प्यार से, क्योंकि देखो राइटर ने हमें बता दिया कि जो कंडक्टर है थोड़ा सा मजा किया है. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द ऑफ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द वर्क. अब ये वाला जो टाइम था, ये स्लैक टाइम से मतलब है यहाँ पे अ टाइम वेन देयर इज नॉट मच वर्क. आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब लोग चलते हैं तो सबको 9 to 5 की जॉब कर लिया अगर जाना है तो 9 बजे बहुत भीड़ होगी. जब वहाँ से ऑफिस ऑफ होगा तब बहुत भीड़ होगी. लेकिन जो बीच वाला टाइम है, अभी कोई खास ऐसा पीक टाइम नहीं था तो बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स बस के अंदर नहीं थे. They were all looking at Valli and laughing with conductor. वो सब वल्ली को देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे, क्योंकि जैसे ही उसने कहा था ना अरे अरे मैडम के लिए रास्ता छोड़ो, मैडम आ गई हैं. वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. अब वल्ली को शर्म आ रही थी. अवॉइडिंग एवरी वंस आई शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन. और वो सबकी आंखों से बचते हुए वो जल्दी से एक सीट के पास गई और वहाँ बैठ गई. ये देखिए इसमें एक बस का एक सीन दिखाया जा रहा है जहां पे और लोग भी और कंडक्टर भी और बीच में छोटी सी बच्ची जिसका नाम वल्ली है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. मैडम अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम बस को चला दें? ये कौन कह रहा है? कंडक्टर. द कंडक्टर आज स्माइलिंग देन ही ब्लू हिज विसिल ट्वाइस. और फिर उसने अपनी जो सीटी थी 2 बार बजाई एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रोर. और बस आवाज करती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी. इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स. और ये क्या थी? ये एक नई बस थी और बहुत अच्छे से इस पर पेंट हुआ हो रहा था, चमकीला पेंट हो रखा था, वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स. और वाइट पेंट हुआ हो रखा था और जिस पर स्ट्रिप बनी हुई थी कैसी? ग्रीन कलर की. इन साइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. क्योंकि वो बिल्कुल नई बस थी तो जो बसों में जो डंडे वगैरह लगे रहते हैं थोड़ा सा पैसेंजर्स को पकड़ने के लिए, हेल्प करने के लिए ताकि वो गिरे ना, वो क्या कह रहा है? वो बिल्कुल इतने नए थे कि सिल्वर की तरह, चांदी की तरह चमक रहे थे. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड. और विंडशील्ड के ऊपर बिल्कुल सामने की तरफ वल्ली के, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. क्या लगी हुई थी? एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. और जो उस गाड़ी की, उस बस की जो सीट थी बहुत मुलायम थी, लग्जूरियस थी, बहुत आरामदायक थी, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी. वल्ली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज. और वो सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख रही थी. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. लेकिन जैसे ही उसने बाहर की साइड देखने की कोशिश की, उसने देखा कि जो शीशे पे, जो पूरा शीशा है बाहर देखने के लिए, उस पर उसका जो नीचे वाला साइड है उस पर एक फिल्म लगी हुई है, एक परत लगी हुई है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं देख सकती, क्योंकि छोटी बच्ची है तो छोटी बच्ची की हाइट भी छोटी है तो वो बाहर नहीं देख पा रही. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड. और अपनी सीट वहाँ पर वो खड़ी हो गई. अब जब खड़ी होने से क्या हुआ, हाइट थोड़ी सी बढ़ गई और जो ऊपर वाला हिस्सा है विंडो का वो कवर नहीं है किसी फिल्म से या किसी परत से, तो वो बाहर की तरफ देख पा रही है अब आसानी से. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल.
और अब जो बस है कहाँ से गुजर रही है, एक कैनाल, कैनाल क्या होती है, नहर, ठीक है, वाटर सोर्स. द रोड वॉज वेरी नैरो, और जो रोड था बहुत ज़्यादा पतला था. ऑन वन साइड देयर वॉज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू ब्लू स्काई. एक तरफ तो क्या थी, कैनाल थी, नहर थी, और बियॉन्ड इट, इसके बियॉन्ड में क्या था, पाम ट्रीज लगे हुए थे, घास थी, दूर दूर के माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, और ब्लू ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था उसे. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड. और दूसरी साइड क्या थी, एक डीप डिच का मतलब गहरी खाई थी, और क्या थी, ग्रीन ग्रीन फील्ड्स उसे दिखाई दे रहे थे, हर जगह हरियाली हरियाली, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक उसकी आंखें देख सकती थी. कहने का मतलब क्या है, राइटर क्या कह रहा है हमें कि भैया एक साइड तो क्या था, कैनाल थी, और दूसरी साइड क्या थी, खाई थी. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वाओ क्या वंडरफुल नज़ारा है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई अ वॉइस, लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन. तभी वो बाहर देख रही थी, तभी एक उसने एक आवाज़ सुनी, बेटा सुनो ऐसे खड़े मत हो, बैठ जाओ अपनी सीट पे, तो मैं ऐसे बाहर नहीं देखना चाहिए, खड़े होके अपनी सीट पे बैठ जाओ. सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, वो बैठी तो सही लेकिन उसने देखा है ये है कौन, किसने बोला भाई, कौन है. इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन. एक थोड़ा सा बड़े से बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भाई उन्हें उस बच्ची की चिंता लग रही थी कि एक तो बच्ची छोटी और उसमें भी अकेली और खड़ी है और बिल्कुल पतले से रास्ते पे बस चल रही है, भाई बस में कोई झटका वगैरह लगे, जर्क लगे, बच्ची गिर सकती, तो वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटे बैठ जाओ, लेकिन वो उसे उस चीज़ का बहुत बुरा लगता है, वो गुस्सा हो जाती है. देयर इज़ नोबडी हियर हु इज़ अ चाइल्ड, शी सेड हॉटली, और उसने कहा कौन है यहाँ पे बच्चा, मुझे बच्चा मत बोलो. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने 30 पैसे दिए पाऊ जी. द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम. तभी जो कंडक्टर है वो बीच में बोल पड़ता, अरे सर आप किसकी बात कर रहे हो, इन मैडम की, ये तो बहुत बड़ी हो चुकी हैं. डू यू थिंक अ मियर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. तो वो जो अंकल जिन्होंने अभी बीच में उस बच्ची को सलाह दी थी कि बेटे खड़े मत रहो, उनसे कंडक्टर साहब कहते, अरे भाई साहब कि अगर ये एक छोटी बच्ची होती तो ये क्या अकेले घूम लेती, और इसने अपना फेयर भी दिया पूरा का पूरा, किराया भी दिया है. वल्ली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर एंड सेड, आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज रिमेंबर दैट ऑल यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट. तभी वल्ली और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कंडक्टर पर भड़क के कहती है, मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूँ, और ये याद रखो, और तुमने पैसे तो ले लिए पर अभी तक मुझे मेरी टिकट नहीं दी है. आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, अरे मैडम गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं याद रखूंगा. कि मिमिकिंग हर टोन, उसकी टोन में उसकी नकल करते हुए. Everyone laughed and gradually Valli too joined in the laughter. और सब लोग हंसने लगे, जो भी बस में थे तभी वो भी हंसने लगती है, कौन, Valli. The conductor punched a ticket and handed it to her. और कंडक्टर ने पंच करी उसकी टिकट और उसके हाथों में थमा दी. Just sit back and make yourself comfortable. बिल्कुल बैठ जाइए और अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए. Why should you stand when you have paid for a seat? और कंडक्टर कहता, अरे मैडम जब आपने पूरी टिकट का पैसा दिया है तो आप खड़ी क्यों, आप बैठ के जाओ. Because I want to, she answered, standing up again. क्योंकि मेरा मन, भैया मैंने पैसे दिए, मेरा मन करेगा खड़े होकर जाऊँ, खड़े होकर जाऊँगी, मेरा मन करेगा बैठ के जाऊँगी, उसने कहा. But if you stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. तभी वो कहता है कि भैया वो तो ठीक है तुम खड़ी रहो, लेकिन अगर वैसी रास्ता नैरो है और कहीं पे भी शार्प टर्न लिया तो झटके से तुम गिर सकती हो. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ, मुझे बार बार बच्चा बच्चा मत बोलो, उसने इरिटेट होते हुए कहा. मैं 8 साल की हो गई हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ. ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 years, माई. तभी वो कहते हैं कि ओ गलती हो गई बहन जी, हमने आपको बच्चा कह दिया, आप तो बहुत बड़ी हो गई हो, आप तो बहुत बड़ी मैडम हो गई हो. द बस स्टॉप, सम न्यू पैसेंजर गॉट ऑन. तभी वहाँ पे बस रुकती है और थोड़े और पैसेंजर्स आ जाते हैं. एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, और जो कंडक्टर है फिर से वो बिजी हो जाता है. अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन. और अब उसे लगा कि जैसे ही नए लोग आए हैं ये लोग मेरी सीट घेर लेंगे, तो वो फिर से वहाँ पे बैठ जाती है, कहीं मेरी सीट चली ना जाए. एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बड़ी सी औरत, बूढ़ी सी औरत आके वल्ली के बगल में बैठ जाती है. आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन. जैसे ही बस चलने लगी उसने वल्ली से पूछा, बेटा आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो. वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स,
शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन दैम। भाई वल्ली को क्या था, जो भी उसे छोटा बच्चा या अब तक आपने स्टोरी में देखा तो उसे बुरा लगता था, तो उसे अब ये भी क्या लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक बूढ़ी सी औरत जिसके ईयर लोब्स हैं, जो कान में कुंडल पहने हुए हैं, वो आपने देखा होगा जो बूढ़ी औरतों के अगर वो हैवी वो पहनी रहती हैं तो वो छेद ना थोड़े से बड़े हो जाते हैं, और उसमें वो बेकार से ईयर रिंग्स पहनी हुई है, किसकी नज़रों में, उसकी नज़रों में, वल्ली की नज़रों में, और उसे बहुत बुरा लगा। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। ऊ, अब एक तो वल्ली को उसकी अपीयरेंस नहीं अच्छी लग रही, उसने बड़े बड़े कुंडल पहने हुए हैं और इतनी बूढ़ी सी और बुरी सी है, और दूसरा वो पान चबा रही है और उस पान को चबाते हुए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जो पान का जो रस है वो कभी भी उसके जो आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग पान को इस तरह से चबाते हैं कि वो जो पान का जूस सा गंदा गंदा लाल लाल सा उनके होठों पे बाहर आ जाता है, कुछ का गिरने भी लगता है, तो उसे भी डर लग रहा है। उसे मतलब अजीब लग रहा है। हु कुड बी सोशबल विद सच अ पर्सन, ऐसे पर्सन के साथ कौन मिलना जुलना पसंद करेगा, कोई नहीं। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, उसने इस तरह जवाब दिया, हाँ ट्रैवल कर रही हूँ अकेले और मेरे पास टिकट भी है, कोई दिक्कत। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। तभी कंडक्टर बीच में पड़ता, अरे इन मैडम जी से क्या कह रही हो आंटी जी, ये तो कहाँ जा रही हैं, टाउन तक की तरफ जा रही हैं और इन्होंने टिकट भी लिया है 30 पैसे का। ओह वाई डोंट यू माइंड योर बिजनेस, भाई साहब अपना काम करो यार, क्यों बार बार मुझे घसीट रहे हो, सेड वल्ली। बट शी लव्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लव्ड टू, और फिर वो हंसने भी लगती है और कंडक्टर भी हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिविल, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल, लेकिन जो बूढ़ी औरत है वो अपने जो टॉपिक था उसका कंटिन्यू रखती है कि क्या इतने छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवल करना चाहिए। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट स्ट्रीट, व्हाट्स योर हाउस, व्हाट्स द हाउस नंबर, और वो उससे पूछती है तुम्हें पता भी है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो और कौन सी गली में जा रही हो, कौन से हाउस नंबर में जा रहे हो। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अम्मा जी, अपना पान चबा लो, कि मेरे बारे में पूछ लोगी। I can take care of myself, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, वल्ली said, turning her face towards the window and staring, अपना जो फेस था वो घुमा लेती है विंडो की तरफ और बाहर देखने लग जाती है। Her first journey, careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like. And finally she had saved a total of 60 पैसे। अब कह रहे हैं जो उसकी जो पहली जो जर्नी थी ये वाली, उसके लिए उसने क्या नहीं किया, उसने कितनी प्लानिंग करी, उसने कितनी प्लॉटिंग करी, और जो भी उसके पास छोटा मोटा जो भी पैसा उसे मिलता था उसने उसकी चीज़ नहीं खाई, पेपरमेंट्स नहीं खरीदे, टॉयज नहीं खरीदे, बलून्स नहीं खरीदे, और वो उन सबको बचाती रही और तब तक बचाती रही जब तक कि उसके पास कितने पैसे नहीं हो गए, पूरे 60 पैसे, क्योंकि 30 पैसे आने का जाने का टिकट था और 30 पैसे वापस आने का। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. और उस दिन जिस दिन गांव में मेला लगा था उस दिन उसे उस झूले पर झूलना था, लेकिन फिर भी उसने उस झूले को नहीं झूला, क्योंकि अगर वो झूला झूलती तो पैसे लगते और वो पैसा बचा रही थी किसके लिए, बस में सफ़र करने के लिए। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब जब उसके पास पैसा तो हो गया पूरा वहाँ जाने के लिए बस में, अब उसकी अगली दिक्कत थी कि मम्मी को बिना बताए घर से बाहर कैसा निकला जाए। But she managed this without too much difficulty. पर उसने ये भी मैनेज कर लिया। Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. लगभग हर दिन लंच करने के बाद उसकी मम्मी 1 बजे से लगभग 4 बजे तक सोती थी, तो उसने सोचा यही वाला टाइम बढ़िया रहेगा, इसी टाइम निकल जाऊंगी। वल्ली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर एक्सकर्जन एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस। और यही वाला वो टाइम होता था 1 बजे से 4 बजे तक जब उसकी मम्मी सोती थी, वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहती थी और बाहर देखती रहती थी, और यही टाइम उसने सोचा कि इसी टाइम पर मैं ट्रैवलिंग करूँगी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट into the village today, these same hours could be used for the first excursion outside the village.
तो उसने सोचा कि भाई जब ये 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का मेरा बेस्ट टाइम होता है, मम्मी तो सोई पड़ी रहती हैं, जिस जैसे मैं, और मम्मी को पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ, किस क्यों ना किसी दिन इसी टाइम को यूज़ कर लिया जाए, मम्मी तो सोती रहेंगी और मैं पूरा टाउन देखे आऊँगी, या मतलब वो जो बस वाली जर्नी है वो करके लौट भी आऊँगी। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, और बस आगे बढ़ती रही, स्पीड बढ़ती रही, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ओल्ड वेज साइड शॉप, और बस जो है जो टाइनी हैमलेट से होते हुए और जो वे साइड में जो शॉप पड़ रही है, दुकान पड़ रही है सॉरी, उनसे होती हुई आगे बढ़ती जा रही है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स दैम और अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कभी कभी तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जो बस के सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं या जो पैदल चलते हुए लोग आ रहे हैं, बस इनके ऊपर चढ़ी जाएगी, बट लो somehow it passed on smoothly, लेकिन जैसे ही वो पास में आते थे ये ऐसा कुछ भी नहीं होता था, वो आपस में दोनों लोग यानी दोनों साइड से बस भी और उधर साइड से लोग भी आसानी से निकल जाते थे। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर ए मोमेंट बाई द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर। और जो ऐसा लग रहा था भाई, आपने देखा होगा जैसे हम बस में बैठे रहते हैं तो जो हमारे सामने जो ट्रीज वगैरह वो ऐसे लगते हैं दूर से भागते हुए आ रहे हो हमारी बस की तरफ, तो क्योंकि वो पहली बार ट्रैवल कर रही है, उसे ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो वो कह रही है ट्रीज जो थे भागते हुए हमारी बस की तरफ आते थे, और फिर जैसे ही भाई बस और जैसे ही वो ट्री क्या होगा पैरेलल आएगा तो ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए जैसे वो रुक गया हो, और तुरंत वो जो ट्री है वो पीछे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि बस हमारी क्या है, मूविंग है, बस तो चल रही है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और उसने तभी तालियां बजाई, मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट, और एक काउ बिल्कुल रोड के बीचों बीच इधर उधर क्राउड के बीच में रोड के बीच में भाग रही थी, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के सामने। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, और बस को बिल्कुल धीरे होना पड़ा, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर को अपना जो हॉर्न था वो बार बार बजाना पड़ रहा था। बट द मोर ही हॉन्ग द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गलब्ड, और जैसे जैसे वो ड्राइवर तो उसे हटाने के लिए हॉर्न बजा रहा था, लेकिन जैसे उस हॉर्न की आवाज़ से वो और ज़्यादा पैनिक हो रही थी और ज़्यादा वो इधर उधर दौड़ रही थी। ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और वो हमेशा कहाँ पे आ जा रही थी, बिल्कुल बस के सामने। देखो इस डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि बस के सामने क्या दौड़ रही है, एक काउ दौड़ रही है। Somehow this was very funny to Valli, और वल्ली के लिए ये सब देखना बहुत फनी था। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, और वो तब तक हंसती रही जब तक उस हंस हंस के उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor, better save some for tomorrow. अब कंडक्टर कहता रहे मैडम जी अब हंसने का कोटा पूरा हो गया हो तो कुछ हंसने का कोटा कल के लिए भी रख लो, बहुत हो गया। At last the crowd moved off the road and soon the bus came to the railroad crossing. और फाइनली जो बस थी वो कहाँ पे आ गई, रोड पे आ गई। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, आपने देखा होगा जब कभी अभी हम बस या मैं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो क्रॉसिंग आती है, ट्रेन वाली क्रॉसिंग आती है, तो वो आ गया। एंड सून द स्पैक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि फाटक पे क्या फाटक लगा होता है उसको क्रॉस करने के लिए, पहले ट्रेन क्रॉस करेगी और जब वो ट्रेन क्रॉस करके चली जाएगी तब जो भी पैसेंजर्स हैं जो भी गाड़ियां वो आगे बढ़ेंगी। तो वो दूर से देख रही है किसको, ट्रेन आती हुई, और ट्रेन जब दूर है तो दूर से कैसी लगेगी, छोटी लगेगी, और जैसे जैसे वो पास आती जा रही है वो उसका साइज बड़ा होता जा रहा है, बड़ी लगने रही है। देन इट रस्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रेटल शेकिंग द बस, और वो फिर आपने देखा होगा जब तेज स्पीड से जब आती है कोई ट्रेन आती है तो बिल्कुल ऐसा हिलाते हुए चली जाती है बहुत तेज आवाज करते हुए। Then the bus went on and passed the train station. और फिर बस आगे बढ़ी ट्रेन निकलने के बाद। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. और फिर जब वो आगे बढ़ी तो वहाँ पे एक मार्केट सा था, हर जगह तो बिजी रोड था। Such big, bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds. और जब वो मार्केट जैसे एरियाज में निकल रही है तो आपने देखा होगा कि लोग कपड़ों की दुकान के बाहर डमी वगैरह लगा के रखते हैं, मतलब शो करने के लिए कि हमारे पास इस तरह के कपड़े हैं, और लाइट वगैरह लगी हुई है तो उन्हें देख के वो खुश हो रही है, वाओ सच बिग क्राउड्स, कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। स्ट्रक डम विद वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली,
और वो बिल्कुल चुप रही थोड़ी देर के लिए, और फिर जो जहां बस को पहुंचना था बस वहां पे फाइनली पहुंच गई। सब लोग उतर गए सिवाय वल्ली के। हे लेडी, सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ। वल्ली से उसने कहा कंडक्टर ने, अरे मैडम जी क्या आपको नहीं उतरना? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू, 30 पैसे में बस मैडम जी आप यहीं तक जा सकती हो। नो, वल्ली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं इसी बस में मुझे वापस जाना है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंड कॉइंस टू द कंडक्टर। उसने दोबारा अपनी पॉकेट से 30 पैसे निकाले और कहा भैया मुझे, मैं कहीं नहीं जा रही उतर के, मुझे इसी बस से कहाँ जाना है, अब वापस जाना है, ये लोग पैसे। वाई इज समथिंग द मैटर, क्यों आपको यहाँ टाउन नहीं देखना, घूमना नहीं है? किसने पूछा? कंडक्टर ने। नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल। मुझे बस ऐसा मन कर रहा था कि मुझे बस में घूमना चाहिए, बस यही मेरी इच्छा थी। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? पर वो तो कंडक्टर कहता वो तो ठीक है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो तुम्हारा मन नहीं है थोड़ा बहुत यहाँ घूम लूँ, देख लूँ यहाँ पे क्या क्या है? ऑल बाई माई सेल्फ ओह आई वुड बी मस्ट टू अफ्रेड। और उसने कहा कि मैं इस, मुझे तो इस चीज़ से क्या लगता है, अगर मैं अकेले ही सब कुछ देखूंगी तो डर लगता है। ग्रेटली अम्यूज बाई द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस। पर तुम तो अभी तक कहती थी कि मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब तुम्हें अचानक से डर लगने लगा टाउन में अकेले घूमने में? नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी सेड, शी आंसर्ड। उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक। तभी कंडक्टर कहता है चलो क्यों नहीं आप वहाँ पे जाते हो और कुछ पी, कुछ भाई इतनी देर का आपने सफ़र किया है कुछ थोड़ा पी लो, कुछ ड्रिंक ले लो। Nothing to be afraid of about that either. मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। Oh no, I couldn't do that. Well then, let me bring you a cold drink. नहीं, मैं नहीं पी सकती। मतलब actually था क्या कि उसके पास केवल 60 पैसे ही थे भाई, उसने 30 पैसे इधर दे दिया, 30 पैसे उधर देने, तो उसके पास कोई पीने के पैसे नहीं है। तो कंडक्टर वहाँ पे कहता है कोई बात नहीं है, वो मैं ले आऊँगा आपके लिए, आप पी लो। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे मेरी टिकट दे दो। इट विल बी माई ट्रीट एंड नो कॉस्ट यू एनी थिंग। अरे ये मेरी तरफ से होगी, ये मेरी तरफ से ट्रीट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। द कंडक्ट, नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो ना। उसने बिल्कुल फर्मली मना कर। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और कंडक्टर ने क्या कहा, ठीक है भैया नहीं पीने तो नहीं पीने, और उन लोगों ने तब तक वेट किया जब तक भी वहाँ पे दूसरे लोग नहीं आ गए वापस जाने के लिए। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और दोबारा से भी क्योंकि कैसा टाइम था, मिड टाइम था, उसमें ज़्यादा पैसेंजर इस बार भी नहीं थे। नेक्स्ट सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब कंडक्टर ने उस लड़की से पूछा क्या आपकी मम्मी को आपकी तलाश नहीं होगी, वो ढूंढ नहीं रही होंगी बच्ची कहाँ है? No one will be looking for me. उसने कहा अरे तुम यार अपने काम से काम मतलब रखो, क्यों यार उसमें वो कर रहे हो, कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स। अब जब वापस से जा रही थी फिर से वो साइट्स जो उसने अभी आते वक्त देखे थे अब वो से वापस जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वल्ली वॉजेंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट एंड द ग्रीट इन एवरी थिंग विद द सेम एक्साइटमेंट शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम। और अभी वो सीन जो अभी वो देख के आई है फिर से दोबारा देख रही है, तो अभी भी उसे कोई बोरियत नहीं हो रही, वो बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही, वो उन्हें दोबारा भी उसी मस्ती के साथ देख रही है, उसी फन के साथ देख रही है जैसे पहले देख रही है। बट सडनली सी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। पर तभी जब वो सब बाहर नज़ारे देख रही थी तभी उसने एक गाय को देखा जो कि रोड के साइड मरे हुए पड़े हुए थी, और जो मतलब किसी फास्ट चलते हुए व्हीकल से वो टकरा गई होगी और वहाँ पे उसकी मौत हो गई होगी। इजंट दैट सेम काउ दैट ट्रेन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर। उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही वाली बस नहीं है जब हम आ रहे थे यहाँ पे, जो हमारी बस के सामने आ रही थी। द कंडक्टर नोडेड एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। अभी तक जो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी जब कंडक्टर ने उसे बताया हाँ ये वही वाली काउ है, अब बेचारी जो बच्ची है उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. अब वो कह रही अभी थोड़ी देर पहले तक उसे वो गाय कैसी लग रही थी, बहुत सुंदर सी, charming, young, fast moving, और वही काओ अब बेचारी कैसी लग रही है, बहुत गंदी सी, उसकी पूरी बॉडी पर क्या फैला हुआ है, ब्लड, और वो डरावनी सी लग रही हुई है, पैर उसके फैले पड़े हैं, और पूरी लाइफलेस,
पूरे में ब्लड ब्लड. द बस मूव्ड ऑन, लेकिन बस चलती रही. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डेम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. अब जो अभी तक जो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश चल रही थी, बाहर के नज़ारे देख रही थी, बाहर के सीन देख रही थी, अब कहीं ना कहीं वही काउ वाला सीन उसके दिमाग में चल रहा है. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो से बाहर नहीं देखना चाहती थी. शी सेट दस ग्लू टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40. और बिल्कुल वो अपनी सीट पर ग्लूड का मतलब बिल्कुल वहीं जमी रही, ना हिली ना डुली ना किसी से कोई बातचीत करी, और जब तक बैठी रही जब तक कि जो बस है वापस से उसी के विलेज में नहीं आ गई 3:40 पर. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच हर सेल्फ, देन शी रिटर्न टू द कंडक्टर एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. और फिर वो उसने अपनी सीट से उठी और कंडक्टर के पास गई, आपसे दोबारा मिलना होगा, आई होप कि मैं आपसे दोबारा मिलूँ. मतलब उसका मन है अभी भी आगे भी वो आए. ओके मैडम ही आंसर्ड हर स्माइलिंग हर स्माइलिंग वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. ओके मैडम जी, जब आपका मन करे तब आ जाना, बस तो रोज यहीं चलती रहती है, लेकिन हाँ जब भी आओ अपना किराया लाना मत भूलना. शी लाफ्ड एंड जंप डाउन फ्रॉम द बस देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर हम. अपने बस से उतरी और सीधे कहाँ भागती हुई कहाँ पहुँची, अपने घर. वैन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वल्लीज आंट्स. जब वो अपने घर पहुँची तो क्या सीन देखती है कि उसकी मम्मी जगी हुई हैं और एक अगल बगल में ही कोई आंटी रहती होंगी, उन आंटी से वल्ली की आंटी से बात कर रही हैं. द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, और वो जो आंटी हैं कहाँ रहती हैं, साउथ वाली गली में रहती हैं. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स नेवर क्लोजिंग हर माउथ वन शी स्टार्टेड टॉकिंग. और ये जो आंटी थी कैसी थी, चैटर बॉक्स थी, पटपट. कुछ औरतें होती हैं ना ऐसी जो एक बार मुँह शुरू करें बोलना शुरू करें बंद ही नहीं करती, तो ये आंटी भी ऐसी थी, एक बार बोलना शुरू करती थी कभी चुप होती नहीं थी. एंड वेयर यू हैव बीन सेड हर आंट वेन वल्ली केम इन. शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. कभी कभी ऐसा होता है ना, दो लोग जैसे आपस में बात करें, तभी एक बच्चा आया वहाँ पर और बेटे कहाँ पर थी, मतलब उन्हें कोई ऐसा नहीं है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि उस बच्ची का आंसर आएगा, और उसने कोई आंसर दिया भी नहीं. किसने पूछा, वल्ली की आंटी ने जो कि साउथ स्ट्रीट में रहती हैं, और बेटे कहाँ पर थी. Not expecting a reply, so वल्ली just smiled. तो इसलिए वल्ली ने बस एक स्माइल कर दी. एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वल्ली की आंटी को और वल्ली की मम्मी को ये नहीं पता चला कि ये उन्हें लगा ये लड़की बस यहीं अगल बगल में कहीं खेल रही होगी या वो होगी अपने मोहल्ले में ही होगी, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि ये जो बच्ची है पूरे टाउन का मतलब पूरे बस में एक ट्रेवल करके गई थी और आई है. सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. यस यू आर राइट, हर मदर सेड. एक्चुअली कुछ बात चल रही होगी वल्ली की मम्मी में और उन आंटी के बीच में, तभी वल्ली की मम्मी कहती है हाँ बहन जी आप सही कह रही हो. सो मैनी थिंग्स इन आर मिथ्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट. उन लोगों की कुछ बातें ऐसी चल रही होंगी और वहाँ पर वो बातें कहते हैं कि बहन जी अब इतनी चीज़ें हो रही हैं बाहर सारी दुनिया में, हमें क्या पता हो सकता है, हम क्या हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं. एंड इवन वेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी. और अगर बहन जी हमें पता भी हो किसी चीज़ के बारे में तो क्या हम उस चीज़ की पूरी जानकारी ले सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं. ओ यस ब्रदर वल्ली. तभी वल्ली ने बीच में ही अपनी नाक ले आई, मतलब उनके उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा था उसी बीच में, हाँ बिल्कुल सही बात है उसने कहा. वॉट आज हर मदर वॉट्स दैट यू से, क्या हुआ बेटा आप कैसे बोली बीच में, हम दोनों बात कर रहे हैं इधर मैं और आपकी आंटी. अरे नहीं नहीं मम्मी कुछ भी नहीं. ओ सेड वल्ली यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज. अरे मम्मी वो आपने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारी नॉलेज में नहीं आती, यानी वो मन ही मन में क्या कर रही है वल्ली, मुस्करा रही है कि ये लोग भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसे कि इन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता है ही नहीं, और इन्हें वास्तव में मेरे बारे में पता नहीं है कि मैं पूरा वहाँ पर घूम के आई हूँ. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट. उसकी मम्मी ने कहा यार ये बच्ची भी ना खूब बड़बोली है. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इन टू आर कॉन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी. और उसकी आंटी बोलती है देखो सही कि देखो कैसे बोलती है हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच में जैसे कि ये पूरी बूढ़ी अम्मा हो, मतलब ये भी बड़ी औरत हो. वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ. वल्ली अपने आप में ही हंसी स्माइल करी. शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. वो नहीं चाहती थी कि वो जो स्माइल थी उस स्माइल के पीछे का राज जो है वो उन्हें पता चले. बट देन देर वॉजेंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर. और वैसे उसका कोई चांस भी नहीं था क्योंकि वो लोग तो अपनी चटर पटर में मस्त थे. कौन कौन, वल्ली की मम्मी और वल्ली की आंटी. वॉज देयर क्या कोई चांस था कि जिससे उन्हें पता चल पाए. सो चिल्ड्रन आई होप कि आपको हमारी जो एक्सप्लेनेशन है इंग्लिश बाबा चैनल की
आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो. अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच.